का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर की हेडलाइन पर। करवा चौथ से एक दिन पहले उजाड़ा सुहाग, वायुसेना ने रचा नया कीर्तिमान। मीडिया से नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही है, तो दूसरी ओर एक नई नवेली दुल्हन का सड़क हादसे में सुहाग उजड़ गया। मोहित पत्नी को ससुराल से लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही काल की चपेट में आ गया। ट्रक आया तो एक गाड़ी वाले पी के जा रहा था, तो मैंने साइड से ओवरटेक करा। ट्रक वाला उसके पीछे से आ रहा था तो वो साइड मार के चला गया। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई, उसको ले गए वहाँ से उठा के, उन्होंने इमरजेंसी में घेर दिया। फिर उसके बाद कहते हैं भाई चलो ऊपर इलाज जाएगा, ऊपर इलाज होएगा। मैं चलो ठीक है ऊपर होएगा, ऊपर सारी रात कराता रहा। उन्होंने मैडम को कहा मैडम इसका इंजेक्शन ला दो। किसी मैडम ने इंजेक्शन लाया, कहा डॉक्टर पर लिखवा के लाओ। रात लिखवा के लाया, फिर इंजेक्शन लाया इसके। फिर अभी सुबह रिफेयर करा रहा था, रात सो गया था, सुबह फिर करा रहा था डॉक्टर के आने से पहले। ना तो मैडम इंजेक्शन ला गई थी, उस टाइम ही देखा मैडम ने भी जब मेडिसिन करके गई 9:15 बजे करीब, तब डॉक्टर आया, फिर डॉक्टर ने जोड़ दिए जी। मेरा सुखबीर सिंह एसआई है जी, थाना तित्रम से। इसमें सर विकास ने बयान दिया है, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और मोहित की इसमें मौत हो गई है। तो आरोप ऐसा मेरे से तो नॉलेज में नहीं आया जी। तो मामला दर्ज कर दिया है। इंडियन एयर फोर्स के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। लड़ाकू विमान सुखोई SU-30 MKI को महाराष्ट्र के ओझर में मरम्मत करने के बाद वायुसेना को सौंपा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को मीडिया के प्रति नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि मीडिया उनके और उनके दल रिपब्लिकन पार्टी के प्रति अनुराग रवैया अपनाए हुए है। MNS न्यूज में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS